नमस्कार साथियों, ये मेरा अंजीर का बाग है। ये 7 महीने के प्लांट है और देखो इसकी हाइट भी 4 फुट के आसपास हो गई है और ग्रोथ कितनी अच्छी है और इस पर फ्रूटिंग भी आई हुई है। देखो इसके ऊपर ये अंजीर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो बचे हुए हैं नीचे, बाकी लगे तो काफ़ी थे लेकिन ओले पड़े तो उनसे टूट गए थे। तो साथियों आज हम बात करेंगे भाई अंजीर का बाग लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने पौधे एक निश्चित दूरी पर लगाने चाहिए। अब ये मेरे सारे पौधे हैं लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे 15 फीट की दूरी है इनकी सब। और मैंने टिश्यू कल्चर का प्लांट लगा रखा है और इनकी वैरायटी है अफगान गोल्डन वैरायटी है। देखो सभी प्लांट बहुत अच्छे चले हुए हैं। तो साथियों लगाते हुए भी मैंने इन पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं किया है क्योंकि मैंने इनको लगाते हुए जो भी खाद वगैरह डालना था सीधा खेत में डाल दिया था और जो सिंपल वर्मा होता है उसके साथ ही मैंने इनको लगाया था। और लगाते हुए इनके जड़ों में मैंने थोड़ी थोड़ी नीम खली जरूर डाली थी। तो उससे ये है, ये मान लो ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं आती। अगर ज़्यादा खाद डाल देंगे हम जड़ में गोबर वाली तो फिर वो कीड़ा पैदा होता है और बाद में नुकसान करता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है साथियों, अंजीर के पौधे में पौधे बहुत कम मरते हैं। बहुत मतलब ये इस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है ना। इस पे देखो कोई भी नए पत्ते पे कोई भी इसके कोई लीफ माइनर थ्रिप्स कुछ भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको मैंने आज तक कोई एक्स्ट्रा स्प्रे कुछ स्प्रे नहीं किया है। सिर्फ जड़ों में जो शुरू में डाला था वो डाला था, थोड़ा बहुत डिकम्पोजर मैं चलाता हूँ जड़ों के माध्यम से वो दे देता हूँ। बाकी इस पौधे को कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और ये पौधा मरता नहीं चला जा। तो इसमें साथियों क्योंकि 15x15 पे इसलिए लगाना होता है, इस पौधे में मई से फ्रूटिंग होती है और दिसंबर में ख़त्म हो जाती है और इसको दिसंबर में फिर जीरो कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि अंजीर के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं आती। डायरेक्ट जहाँ से नया पत्ता निकलता है वहीं से फ्रूट निकलता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी इस पौधे पे देखो ये यहाँ से पत्ता निकला हुआ था, ये फ्रूट निकल रहा है साथ के साथ। कभी इस पे वो नहीं आता, अंजीर के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं आती, ना किसी पोलिनेटर कैरियर की जरूरत है। इस पे जहाँ से पत्ता निकलता है वहीं से फ्रूट निकलता है। तो इसको दिसंबर में जीरो कटिंग करनी पड़ती है, मतलब इसको काटना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए पत्ते फूटें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आए। तो इसको 15 फुट से कम पे नहीं लगाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसकी बेचने की तो इसको हम जो पौधे पे तैयार होता है उसको भी बेच सकते हैं और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है तो उसको फिर ड्राई करके भी हम बेच सकते हैं। इसके बेचने के भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, वो किसान की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है भाई वो कितनी मेहनत कब करना चाहता है। और अब मेरे पास साथियों नींबू का बाग है साथ में, तो इसकी और अगर मैं इसकी बात करूँ तुलना करूँ तो नींबू के पौधे के और अंजीर के पौधे के रख रखाव में दिन रात का अंतर है। नींबू के पौधे में इतने स्प्रे करने पड़ते हैं, नीम ऑयल, करंज ऑयल, लीफ माइनर थ्रिप्स, यही नहीं रुक पाते और जो पौधा एक बार सूखने लग गया वो नहीं रुकता। लेकिन अंजीर के पौधे में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। देखो सारे पौधे बड़े कितने अच्छे खड़े हैं और मतलब इनमें से जितने पौधे लगाए एक आधी पौधा मरा होगा नहीं, ये सारे पौधे बड़े अच्छे चले हुए हैं और इनकी मैंने संभाल इनसे बहुत कम कर रखी है। इसलिए साथियों मिक्स वैरायटी लगा के देखो, अच्छी वैरायटी लगाओ और दूरी का खास ख्याल रखो क्योंकि नर्सरी वाले फिर लालच में नज़दीक लगवा देते हैं और फिर वो किसान को लंबे समय तक नुकसान करता है।